ये कैमरा तुम्हारा है, तुम्हें मैंने दिया था, याद है ना? तो टेल मी जानी, ये कैमरा यश के पास कैसे पहुंचा? किसने दिया उसे? क्या तुम उसके प्लान में शामिल थी? उसके गंदे घिनौने प्लान में तुमने उसका साथ दिया था? जानवी, टेल मी। अगर लोगे तुम सागर, तुमने मेरे बारे में से सोचा कैसे? हाँ हाँ, ये कैमरा मेरा है और मैंने ये कैमरा यश को दिया था पार्टी के वीडियोस लेने के लिए। पार्टी में वो तमाशा हो गया और मैं भूल गई वापस लेना अपना कैमरा। हाउ वुड आई नो कि यश ने क्या किया उस कैमरे के साथ, कौन सी वीडियो बनाई? इतने सालों से तुम जानते हो मुझे, फिर भी इतना सा भी ट्रस्ट दिया तुम्हें मुझ पर? हाँ, लड़की होके लड़की के साथ मैं ऐसा कर सकती हूँ? ये सोचते हो तुम मेरे बारे में? हाँ, इतनी गिरी हुई लड़की लगती हूँ मैं तुम्हें? इतना ही जानते हो तुम मुझे? सागर, जानवी पे इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले एक बार तो सोच लेते। सागर, तुम तैयार हो ना बेटा? आज सिर्फ गंगा को ही नहीं, उन सभी विधवा बहनों को भी इंसाफ मिलेगा जिनके चरित्र पर समाज सदियों से कीचड़ उछालता आ रहा है, और जो चुपचाप अपमान का घूंट पीकर रह जाती हैं ये सोचकर कि उनकी आवाज तो कोई सुनेगा ही नहीं। हम सब विधवा बहनों की तरफ से तुम ये रख लो। लो, उसे क्या देख रहे हो? जीवन का पहला केस लड़ने जा रहे हो, बिना फीस के लड़ोगे? ये लो, संभालो। दादी, ये मेरी पहली कमाई, मेरे पहले केस की, और इस पे तो सिर्फ आपका ही हक बनता है ना? खुश जीत गया ना? जीते रहो और जीत कर ही आना। ऑल द बेस्ट। तुम चुप रहो प्रभा, तुम्हारे लाठ प्यार ने बिगाड़ा इसको। बोल, बोल ना। आप बात चुप क्यों खड़ी है? आइए ना, रोकिए ना इन्हें। आपका भाई से मैं आपकी बात सुनता है, आइए ना प्लीज। रतन भैया, बता क्या बात है? रतन भैया छोड़ो, मैं कितना मारोगे उसे? आप रहने दीजिए दीदी, आज इसे बोलना ही पड़ेगा। बोल रतन भैया, छोड़ छोड़ छोड़। बोलना उन्हें पापा। I'm sorry गंगा, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मेरी वजह से तुझे इतनी बदनामी झेलनी पड़ी, सबकी बातें भी सुननी पड़ी। प्लीज गंगा, माफ कर दे, तुझसे भी सॉरी बोल रहा हूँ सागर, प्लीज। देख सागर, तेरा भाई तुझको सॉरी बोल रहा है, प्लीज केस वापस ले लेना सागर। गंगा, सागर सिर्फ तेरी बात सुनेगा, सागर को बोलना केस वापस लेने को। नहीं गंगा, तू ऐसा नहीं करेगी। वक्त बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है योर ऑनर। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास मेरे क्लाइंट को दोषी साबित करने के लिए कोई भी सबूत या गवाह मौजूद नहीं। सबूत है मेरे पास। योर ऑनर, ये रहा सबूत। इस कैमरे को पेश करने से कुछ नहीं होगा वकील साहब। क्या आपके पास कोई ठोस सबूत है जिससे ये पता चल सके कि वो वीडियो यश ने ही तैयार किया था? मिस्टर पाठक, मैं जानता था आप ये सवाल जरूर करेंगे, पर नो प्रॉब्लम, जवाब तैयार है मेरे पास। योर ऑनर, वो वीडियो जो यश ने अपने लैपटॉप से नकली आईडी बनाकर अपलोड किया था वो इस कैमरा में है। योर ऑनर, मेरे ख्याल से यश को आरोपी साबित करने के लिए ये सारे सबूत काफी हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यश की जमानत रद्द कर दी जाए और उसे अरेस्ट करने का आदेश दिया जाए। पेश किए गए सबूतों के आधार पर यह अदालत आरोपी यश की जमानत रद्द करती है और पुलिस को यह हुक्म देती है कि उसे हिरासत में लिया जाए।